श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिंदास जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। ठाकुर जी महाराज का है यहाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ जुड़े हैं और हमारे टाइटल से आपको समझ में आ रहा है कि हम अपना घर आए हैं, जो इस जगह का नाम है, और यहाँ पर हम प्रभुजन सेवा रख रहे हैं, प्रसाद वितरण, और यहाँ बड़ा आनंद आने लगा है हमें, तो इसलिए हम सेवा करने लगे हैं। और ऐसे ही मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार के भक्त हमारे पास सेवा के लिए आते हैं और वो खुद आए हैं। तो आज एक बच्चे का बर्थडे है जिसके लिए, जिसके उपलक्ष्य में वो यहाँ पर सेवा समर्पित करना चाहते हैं, और इसको हमने एक नाम दिया है। ये प्रसादम तो है लेकिन दावत, यहाँ जो नॉर्मली ये लोग डेली जो रोटी वगैरह सब्जी वगैरह भोजन करते हैं, लेकिन हमने पकवान बनवाए हैं, हमने बढ़िया पुलाव बनवाया है, पनीर बनवाया है, पूड़ियाँ हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं, मीठा अच्छे अच्छे हैं, तो ये ताकि दावत हम लोग इन लोगों तक चिनू ताकि दावत हम लोग तक पहुँचा सकें। और एक बार एक काम करियो, इनसे भी सर्व करवा दो, पूड़ी 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 सर्व करवा दो। तो यहाँ पर हम इधर इधर, हाँ, ये भोजन प्रसादी चल रही है, तो आप लोग भी बिहारी जी की इस प्रसादम में शामिल रहिए, आशीर्वाद लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहारी जी की असीम अनुकंपा यूं ही बनी रहे, ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जय हो। इन लोगों के साथ जुड़कर हमें भी आनंद आता है और यहाँ प्रसादम सेवा करके हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम अपनी ये जो सेवा है अगर किसी तक पहुँचा सके तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे ये सेवा यहाँ पहुँच सके। और इनके लिए हम जो लास्ट टाइम जो हमने इनको वस्त्र, जो हमने कपड़े इनको शॉर्ट्स लोअर और टी शर्ट दी थी, वो आज इन्होंने पहनी है सबने, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हमने लास्ट इन तक सेवा पहुंचाई थी वो पूर्ण रूप से पहुंच गई है। मेरे बाकी वाले भक्त परिवार की ओर से जो मैंने सेवा रखी थी यहाँ पर लास्ट टाइम पर, और इसके अलावा जब आप लोग भी हमारे साथ, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े थे, और ऐसे ही हमने इनके लिए बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं, हमारा प्लान चल रहा है, हमने इन लोगों के नाप तक ले लिए हैं, इनके जितने भी यहाँ ये लोग प्रभुजन जितने भी यहाँ पर रहते हैं अभी इस वक्त, हमने इन सब के नाप ले लिए हैं और हम इनके लिए कुर्ता पजामा बनवाने वाले हैं, और बहुत जल्दी वो कुर्ता पजामा इन तक ये सेवा ज़रूर पहुँचाएंगे। और ये बिहारी जी का आशीर्वाद ही है, जो बिहारी जी हमें माध्यम बना रहे हैं, बिहारी जी ही हमें एक माध्यम बनाकर यहाँ तक सेवा पहुँचवाते हैं।
20 साल अंग्रेज मंदिर में पूजा करिए और कहीं कोई भी एडी की प्रॉब्लम हो गई की भी होगी तो मट्टी की चीज में तो मट्टी की तरह 20 तारीख में इसको गौशाला में रहते थे ब्रह्मचारी थे दुकान के बाहर से और कोई भेज रही कोई ऑपरेशन करा इनको पैसा तो ऑपरेशन कराया 15 दिन का महीना उनके बारे में बड़ा हो देते हैं तो अब अपने लोग ठाकुर जी के पास यहाँ सारा दिया है 2500 से देखिए एक प्रभुजन से हम मिले हैं इन्होंने इस्कॉन में गौशाला में बहुत साल सेवा करी रीढ़ की हड्डी में उनकी प्रॉब्लम होने की वजह से उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया है और उनसे रहने के 1500 रुपये लिए जाते थे लेकिन यहां पर सेवा समर्पित की जा रही है इनके लिए। आप प्रसाद पाओ पहले फिर आराम से बात करेंगे। कोई जी राधे राधे। आप पहले कहाँ पर थे? ऐसा है मैं वैसे मैं बंगले का निवासी हूँ जी और अभी मैं 2001 से लेके 17 तक इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ था जी। कुंज बिहारी लाल तेरी सदाई जय हो। बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और इसके बाद इसके साथ मैंने जो बताया था अंदर नेटवर्क इशू थे कि एक प्रभुजन है जो कि एक 2001 से 2017 तक उन्होंने इस्कॉन गौशाला में अपनी पूर्ण रूप से सेवा दी समर्पित रहे और उसके बाद जब उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई और उनको टीबी हो गया बीमारी हो गई तो वहाँ उनको सिर्फ एक कमरे में पटक दिया गया जैसे उनसे पता चला हमें और वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं कोई उनको भोजन प्रसादी कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पे खबर आई इस चीज़ की उनके एक फ्रेंड के द्वारा तो वो इस संस्था को पता चला तो ये अपने पास लेकर आए और ना तो उन्होंने कुछ लिखित में दिया और ना ही उन्होंने या वहाँ के किसी अधिकारी ने आकर इनकी एक बार भी खबर लेने की कोशिश की। इनका फ्रेंड ही है एक जो इनकी खबर लेने के लिए आ जाता है। काफ़ी बेटर है पहले से और हमने ये एक पता नहीं इसको क्या शब्द देंगे हमने तो इनसे बस इतना बोला है कि इनकी जो मंथली दवाइयाँ चलती हैं उसका खर्चा मेरे बांकेवारी फाउंडेशन ट्रस्ट से हम ज़रूर देंगे और ये हमने बोला है तो इनकी जो मंथली इनके परिवार वाले भी उसमें कुछ सहयोग करते हैं लेकिन हमने बोला है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है जो इनके परिवार वाले दे रहे हैं अच्छी बात है उसके अलावा जो भी इनको सेवा चाहिए इनकी दवाई के लिए वो मेरे बांकेवारी फाउंडेशन ट्रस्ट से मैं ज़रूर दूंगा और ये सेवा हम इनको बोल कर जा रहे हैं वादा करके जा रहे हैं इसको प्रण कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए ऐसी सेवाएं ही हमें चाहिए जहां जिसका कोई नहीं उसका बांके बिहारी है उसका ठाकुर जी है तो जैसे ही बिहारी जी माध्यम बनाते हैं तो ऐसे ही मेरे बांकेवारी फाउंडेशन ट्रस्ट ऐसी सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर तैयार है और मेरे बांकेवारी फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा परिवार है जिसमें आप और मैं सभी लोग जुड़े हैं। हम लाइव सेशन समटाइम्स कभी कभी नहीं देख पाते हैं लेकिन जब भी हम देखते हैं हम जानते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और अभी तो बहुत सारी और भी बिहारी जी हमसे सेवाएं कराएंगे। अभी तो हमने कुर्ता पजामा का इनका नाप लिया अभी तो वो भी बनेगा और वो भी मेरे बांकेवारी फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए ही हम बनवाएंगे। यहाँ बढ़िया भजन वजन भी चलने लग गए हैं बड़ा आनंद आने लगा है और अभी यहाँ का रिसेंट मैं आपको एक केस बताता हूँ मैंने क्योंकि यहाँ के न्यूज़पेपर्स में आता है ना लोकल के में तो मैंने पढ़ा था कि 11 साल बाद एक परिवार को उसका बच्चा मिला यानी एक माँ को 11 साल बाद अपना बेटा मिला है और वो यहाँ पर आकर मिला है उनको पता नहीं कहाँ से कब कैसे वो बच्चा उनसे दूर हो गया था और 11 साल बाद 11 साल में काफ़ी बड़ा हो गया बच्चा और 11 साल बाद वो उनको अपना घर यहाँ जो संस्था है वहाँ से उनको मिला है। जब उस बच्चे ने अपने बारे में कुछ बता पाए फोटोज़ स्प्रेड होती हैं न्यूज़पेपर्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के जो संस्थापक हैं फाउंडर हैं अपना करके जिनका भरतपुर में भी काफ़ी बड़ा है वहाँ करीब 5000 लोग रहते हैं और काफ़ी लोग तो इस बारे में जानते भी होंगे और हमारे ग्रुप से ही काफ़ी लोग मतलब हमारे पास भी आ चुके हैं सेवा के लिए और वैसे भी आ चुके हैं काफ़ी लोग और भी तो वो अभी KBC में भी होकर आए थे कौन बनेगा करोड़पति में वहाँ पर भी उन्होंने बात कही थी कि मैं उन्हीं की ये संस्था चल रही है फाउंडर जो हैं उनके
कि उनकी उनको इस सेवा के लिए जो भी पुरस्कार मिलता है, जो भी अवार्ड मिलता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी भी प्राइवेट संस्था की तरफ से, पब्लिक संस्था की तरफ से अगर उनको कोई भी अवार्ड मिलता है, जैसे KVC में भी उनको मिल रहा था, तो वो अवार्ड नहीं लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये कि वो इनको अपना परिवार मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने इसको नाम बड़ा सुंदर दिया है, जिसको कहते हैं अपना घर। और ये नाम दिया है तो कहते हैं कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है या एक माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं, तो क्या वो उसके लिए सरकार से या प्राइवेट किसी भी संस्था से या किसी से भी, क्या वो उसके लिए अवार्ड लेंगे, क्या वो उसके लिए प्राइज लेंगे, क्या वो उसके लिए एक रिवॉर्ड पाने के लिए सब कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए वो कोई भी एक अवार्ड नहीं लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो इनके लिए ये परिवार है, और परिवार के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने परिवार के लिए कोई भी सेवा समर्पित कर सकें। तो ये इनका परिवार है और धीरे धीरे हमारा भी परिवार बन रहा है, और हम मेरे बाकी वाले परिवार भी इन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही बिहारी जी हमें आशीर्वाद दें कि हम और भी संस्था के साथ ऐसे जुड़ सकें और अपनी सेवा समर्पित कर सकें। तो यहाँ पर लाइव सेशन को देना चाहूँगा विराम। बिहारी जी की असीम अनुकंपा से हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे, और अभी कुछ दिन बाद फिर हमें आना है, फिर एक सेवा है हमारे पास, बुकिंग है, तो फिर से हम आएंगे, फिर से सेवा करेंगे, और उस दिन कुछ और नई चीज़ें बनवाएंगे। प्रसादम में सोच रहे हैं कि हमने पूड़ी वगैरह काफ़ी बार कराए, तो हम सिंपल भोजन भी एक बार करते हैं, बहुत आनंद आएगा उसमें भी। तो प्रसाद में तो फिर से मुलाकात करेंगे। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। और हम कोशिश करेंगे एक बार राधे राधे, इन लोगों से सुना था हमने, राधे राधे, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।